मेरी जनरेशन जो है हमने पाकिस्तान बनते हुए देखा, फिर उसको टूटते हुए देखा, और आज हम में से जो अभी जिंदा हैं हम इसको बिखरते हुए देख रहे हैं। साइफर इज नथिंग, यानी साइफर इज नॉट कोई सीक्रेट, स्टेट सीक्रेट नहीं है। नवाज शरीफ को नहीं पता था कि ये बंदा प्लांटेड है, और उसको नवाज शरीफ ने अम्बेसडर बनवाया हुआ था। वो यहाँ हरबंसपुरा स्टेशन पे जब ट्रेन आकर रुकी थी, दिसंबर का महीना था, तो जिस तरह वो मुझे याद है कि लोग छतों पे बैठे हुए थे तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू थे। बहुत ज़्यादा सुनने में आती है कि जी ब्यूरोक्रेसी ही कसूरवार है, किसी सियासतदान को नहीं काम करने देती सारा। ये मुल्क कभी भी कायदे आज़म का पाकिस्तान ना बन सका। इंडिया ने पहले 3 सालों में 47 से 50 तक अपना आयन बना लिया, अपनी फ़ौज का रोल मुतय्यन कर दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कर दी, लैंड रिफॉर्म्स कर दी, रियासतों को बड़े तरीके से इंटेग्रेट कर लिया, यानी रियासत के तौर पर उभरा। हम आज तक रियासत नहीं बन सके। ये जो दो सूबे हैं सिंध और पंजाब, ये कभी नेशन नहीं रहे, दोनों गुलाम रहे हैं। मुंतखब ऐवानों में इन लोगों की तकरीरें सुना करता था, मुझे शर्म आया करती थी। पाकिस्तान को गालियां देते थे ये मौलवी, इतनी लंबी लंबी दाढ़ियों वाले जो पार्लियामेंट में बैठ के, जो आज भी लीडर बने हुए हैं, जिनके बाप भी लीडर होते थे, जो भुट्टो के साथी होते थे, ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनने के खिलाफ थे। ज़ियाउल हक ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान को सोवियत ऑक्यूपेशन से बचाया, क्योंकि सोवियट्स ने जब अफगानिस्तान को ऑक्यूपाई किया था, अगली मंजिल उनकी पाकिस्तान था, मगर ज़िया ने एक स्टैंड लिया और अमरीका को अपने आगे लगाया और उसने सोवियत एम्पायर को डिसमेंटल करवाया। किसी की टांग नहीं है, किसी का बाजू नहीं है, ये वो हैं जो फ्रंट पे लड़ते रहे हैं। तो मुल्ला उमर की एक आंख नहीं थी, बिल्कुल एक मुझे फिल्मी सीन लग रहा था, लेकिन मैं उसकी शख्सियत से मैं बहुत मुतासर हुआ था। फौज का आर्मी चीफ इजाज़त देता था प्राइम मिनिस्टर, अब उलट हो गया सारा कि ये जो प्राइम मिनिस्टर अपने आप को बने फिरते हैं, जो सिपा सलार की गर्दान करते हैं, ये कुछ तरीका है किसी मुल्क में हुकूमतों का? इस तरीके से तो नहीं होता कि इनके ख्याल में सवाए कर्जे और लोन, बस ये लो IMF और वर्ल्ड बैंक और बस ज़िंदगी कट जाएगी।